अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी, आप देख रहे हैं एसएन किंग टेक। और इस वीडियो में हमारे पास यूज़ में रियलमी के दो कैमरा और गेमिंग फ़ोन्स मौजूद हैं। बजट रेंज में आप इन्हें बाय कर सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी C25Y की। इसको एक सी वीडियो में इनके कुछ मेन स्पेक्स और कैमरा फीचर भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलमी C25Y से। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और सेल्फी कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी भी दी गई है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, लेकिन कनेक्टर इसमें आपको माइक्रो USB का ही मिलता है। और डिवाइस की जो हैंड फील है ये भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी शो नहीं होते। डिस्प्ले की अगर बात करें तो वही आपको रियलमी के ज़्यादातर फोन्स में 6.5 इंचेस का ही डिस्प्ले मिलता है 720p रेजोल्यूशन के साथ। और यहाँ पर कोई हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और आप इसमें डुअल सिम और एक SD कार्ड सेम टाइम पर यूज़ कर पाओगे। और ये फ़ोन एक ही वेरिएंट में आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। तो ये थे इसके कुछ मेन स्पेक्स। अब बारी है इसकी कैमरा ऐप को ओपन करने की। और इसमें आपको रियलमी का R एडिशन मिलता है, तो इसके कैमरा का जो इंटरफेस है वो भी आपको काफ़ी चेंज मिलेगा। और यहाँ पर आपको सभी जो बेसिक फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नाइट मोड और 50 मेगापिक्सल के लिए मोड भी दिया गया है। और अब अगर हम देखें इसकी वीडियो की रिकॉर्ड सेटिंग को, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 1080 की रिकॉर्डिंग कर पाओगे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। और इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और अब अगर बात की जाए इसकी प्राइस और बाकी चीज़ों की, अभी आपको 10x10 कंडीशन में कंप्लीट सामान के साथ 23,000 का मिलेगा और इसकी जो वारंटी है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और अब हम बात कर लेते हैं रियलमी C21Y की। और डिस्प्ले साइज़ और रेजोल्यूशन वगैरह इसमें भी आपको सेम ही देखने को मिलता है। और इसमें भी एक ही वेरियंट आया है 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज के साथ। कैमरास की अगर बात करें तो इसमें आपको सेल्फी कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का मिलता है और बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। डिज़ाइन की अगर बात करें तो ज़्यादातर रियलमी की सी सीरीज से मिलता जुलता ही दिया गया है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी शो नहीं होते। बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और इसका जो स्पीकर है वो भी बैक साइड पर ही दिया गया है। बैटरी इसमें भी 5000 mAh की दी गई है, लेकिन ये 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि C25Y में आपको 18 वाट की चार्जिंग मिलती है। लेकिन प्रोसेसर दोनों में सेम है, तो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो दोनों में सेम ही रहने वाली है। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फीचर्स और क्वालिटी को, यहाँ पर आपको फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट और मोर की ऑप्शन दी गई है। और मोर में भी आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं जिसमें स्लोमो और नाइट मोड वगैरह की ऑप्शन दी गई है। तो सभी जो बेसिक फ़ीचर हैं वो इसकी कैमरा ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से आप इसमें भी मैक्सिमम 1080 की ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। और प्राइसिंग के हवाले से अभी आपको 10x9 कंडीशन में कंप्लीट सामान के साथ 22,000 का मिलेगा और इसकी भी वारंटी अब ख़त्म हो चुकी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनसे ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।